पूरे 3 साल बाद जब मैंने उसको मामू की शादी पर देखा तो बस गुजरा वक्त आंखों के सामने आ गया कि कितने अच्छे थे वो दिन जब हम साथ हुआ करते थे, कि हर वक्त एक दूसरे से बातें किया करते थे और जब बात नहीं होती थी तो दोनों उदास होते थे और जब मैं उसके घर जाता वो खुशी से पागल हो जाती और मुझे कहती थी कि मेरे सामने बैठे रहो, मुझे जी भर के देखना है तुम्हें। और उसका जी भरता ही नहीं था। फिर खुशी खुशी मेरी पसंद के खाने बनाती थी। उसे सब पता था कि मुझे खाने में क्या पसंद है और क्या नहीं। फिर आराम से बैठकर मोहब्बत भरी बातें करती थी। पर अब तो उसे देखने के लिए भी तरस जाता हूं। ना जाने कैसी होगी वो अब। और सोचता हूं कि काश वो दिन लौट आए जब वो मेरे साथ हुआ करती थी। और हां एक बात और, वो ना तो बेवफा थी और ना ही मैं बेवफा था। वो तो बस मजबूर थी अपने मां बाप की इज्जत की खातिर।